नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। तो एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर चल रही है। फिर स्टार्ट करते हैं और बच्चे लाइव आ जाते हैं, फिर हम करते हैं स्टार्ट। और कल की क्लास के बारे में बता दो, कोई भी डाउट है तो वो बता सकते हो। किसी भी तरह का आपको एग्जाम के रिलेटेड या सिलेबस के रिलेटेड डाउट है तो वो भी बता सकते हो। हम यहाँ पर सारे चैप्टर क्लियर करेंगे। वेक्टर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सभी गुड इवनिंग भाई, नमस्कार। चला के देखो सोनिया, गुड इवनिंग बच्चे। संदीप सर हेलो, कैसे हो आप? चलो, कल जो हमने पढ़ी थी चीज़ें वो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम पढ़ चुके हैं। राकेश प्रणाम भाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हम पढ़ चुके हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर हमारे रेशो चेंज होते हैं क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी लाइन पर रेशो चेंज होंगे, कौन सी लाइन पर अनचेंज रहेंगे। और आज हम टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे कि टेबल किस तरीके से बनती है। और तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वाड्रेंट पे। तो क्वाड्रेंट हमने कल पढ़े थे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। आज जो हम पढ़ेंगे ये होती है 0 डिग्री लाइन, ये होती है 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री प्लस थीटा होता है और 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये 180 लाइन होती है, तो 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट तो ये 270 होती है, 270 डिग्री की लाइन है, तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 0 डिग्री माइनस थीटा, यानी यहां पर माइनस थीटा, और ये 360 लाइन भी होती है अभी, तो ये 360 माइनस थीटा होता है और 270 प्लस थीटा होता है। ये तीनों फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं कोई भी नंबर, आपको पता चल सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब चेंज की बात करते हैं, चेंज कहां पर होगी चीजें। तो चेंज अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा? तो ये होगा जी 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 90 ये रहा, बाकी दोनों बचे 90 के, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये आपको एबीसी कोई ट्रायंगल दी हुई है, और ये एबीसी ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहता हूं, साइन थीटा निकालना चाहता हूं, तो क्या आएगा? साइन थीटा निकालोगे, आपको पता है कि जी साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, और इस थीटा की बात कर रहे हैं तो पी होगा मेरा ए बी और एच होगा मेरा ए सी। क्या होगा? ए सी होगा, ठीक है। और अगर मैं कोसेक 90 माइनस थीटा निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं? कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है कि जी क्या होता है, वो होता है बी अपॉन एच, लेकिन किस थीटा की बात कर रहे हैं? इस थीटा की बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, एंगल ये है, तो यहां पर बी क्या होगा? मैंने कल ही बताया था कि जी इस एंगल के साथ वाला बी होता है, तो बी क्या होगा? ए बी अपॉन में एच क्या होगा? तो एच है ए सी।
तो यहाँ से आपको चीज़ें साफ दिख रही होंगी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम देखें तो यहाँ से राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि जी कोस 90 माइनस थीटा बराबर होगा किसके, साइन थीटा के। किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जी कोश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। और इसी तरह अगर आप निकालोगे साइन 90 माइनस थीटा तो वो बराबर हो जाता है कोश थीटा के। किसके बराबर हो जाता है, कोश थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कोसेक निकालना चाहता, कोसेक थीटा निकालना चाहता हूं, तो कोसेक क्या होता है, तो कोसेक आपको पता है कि जी एच अपॉन में पी होता है। तो एच क्या है, यहां पर एसी है, और पी की बात करूं तो इस थीटा की बात कर रहे हैं, तो पी क्या होगा, ए बी होगा, तो एसी अपॉन में ए बी आ गया, ठीक है। और यहीं से मैं अगर सेक 90 माइनस थीटा निकालना चाहता हूं तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो इस थीटा की मैं बात कर रहा हूं, और होता क्या है, तो ये होता है h अपॉन में b। तो h यहां पर क्या है, ac है, और b क्या होगा, अगर 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो बेस ये होगा, और बेस ये होगा तो क्या हुआ, ab हुआ। राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। और यहां से क्या आ गया, cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, ये आ जाता है। और इसी तरह अगर आप यहां से sec थीटा निकालोगे तो वो आएगा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल, ठीक है। और यहां से अगर मैं tan निकालना चाहता हूं, tan थीटा, तो थीटा कौन सा है, ये वाला है, इसकी बात करें तो p अपॉन में b होता है, p क्या होगा, ab होगा, और b क्या होगा, तो bc होगा। और यहीं से मैं अगर कोट 90 माइनस थीटा निकालूं तो अब कौन से थीटा की बात हो रही है, अब इस थीटा की बात हो रही है, और इस थीटा की बात हो रही है, तो ये क्या होता है, बी अपॉन में पी होता है, तो बी क्या होगा, तो बी होगा ए बी, और पी क्या होगा, तो पी होगा बी सी। यानी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। और यहां से फॉर्मूला क्या आ जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और इसी तरह से दूसरा निकालोगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको समझने वाली बात कौन सी है कि जी जब भी 90 माइनस थीटा होगा रेशो चेंज होते हैं, और कौन सा किस में चेंज होता है, तो यहाँ पर मैं इसको साफ करके दोबारा से लिख देता हूँ कि कौन सा किस में चेंज होगा। साइन चेंज होता है कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में। टेन चेंज होता है कोट में, और कोट चेंज होता है टेन में। कोसेक चेंज होता है सेक थीटा में, और सेक चेंज होता है कोसेक में, ठीक है। ये चेंज होते कब हैं, तो नेक्स्ट लाइन जो हम लिखेंगे कि ये चेंज कब होते हैं, तो ये अगर 90 के ओड मल्टीपल, हों तो चेंज होंगे, और 90 के इवन मल्टीपल हों तो नो चेंज, ठीक है। तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 से क्या मतलब है कि जिस तरह से यहां पर 90 आ रहा है, यानी 90 इंटू में 1 होता है, इसी तरह से 270 आ जाएगा तो 270 पर चेंज होगा, लेकिन 180 आएगा, 180 माइनस थीटा, तो ये चेंज नहीं होते, फिर ये सेम रहते हैं। यानी अगर क्वाड्रेंट दिए हुए हैं तो इस लाइन पे चेंज होते हैं रेशो, यानी 90 और 270 पे चेंज होते हैं, 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री पे रेशो चेंज नहीं होते, ठीक है।
ठीक है, तो ये चेंज कहाँ पर होते हैं, तो चेंज होते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, 0 डिग्री, 360 और 180 पे चेंज नहीं होते। सीधी सी बात है कि जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो चेंज नहीं होंगे, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो चेंज होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम टेबल की ओर, टेबल किस तरीके से बनाते हो। उससे पहले हम किसी भी ट्रायंगल में रेशो कैसे लें, तो जब भी आपके हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत काम आने वाले हैं वो रेशो आपको याद रखने हैं। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे तो आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको वो रेशो याद है। तो अगर ऐसे ट्रायंगल दी हुई है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला कोण 30 डिग्री का दे रखा है, तो ये वाला आपको पता है 60 डिग्री का होगा। रेशो किस तरह से मानोगे, तो सबसे छोटी साइड के सामने की साइड सबसे छोटी होगी, यानी इसको मान लो 1, ये होगी रूट 3 और ये हो जाएगी 2। ठीक है, 1 रूट 3 यानी ये इससे बड़ा तो ये साइड भी इससे बड़ी, और ये सबसे बड़ा तो इसके सामने की साइड सबसे बड़ी। और अगर एंगल इस तरीके से दिए हुए हों कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो छोटे के सामने की साइड सबसे छोटी, उससे बड़े की साइड सबसे उससे बड़ी, और सबसे बड़ी एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी, तो आपको इस तरीके से रेशो मानने हैं। अगर 45-45 के एंगल दिए हुए हों, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो ये 1, 1 और ये हो जाएगी रूट 2। तो इस तीन तरीके के आपको रेशो मानने हैं और यही आपको याद रखने हैं। अब टेबल पे चलते हैं, पूरी टेबल इन तीन रेशो पर हम बनाएंगे, और पूरी की पूरी टेबल मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी आपको जो भी जैसे भी आपने रट्टे मारे हैं, अच्छी बात है अगर रट्टे मार रखे हैं तो, लेकिन आज रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं आपको समझा देता हूँ टेबल कैसे बनती है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो रेशो ये रूट 3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा की बात करते हैं तो आपको आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री हमें पढ़ना है जी, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 60 और 90। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। ठीक है, अगर पी अपॉन में एच की बात करूं और साइन थीटा 30 डिग्री की बात करता हूं, अगर मुझे 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल से, तो इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, और इस एंगल और हाइपोटेन्यूस और किसके बीच में बनता है एंगल, बेस के बीच में, तो ये एच होगा, ये बी होगा और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। P अपॉन में H होता है, 30 डिग्री आपको निकालना है, तो P कितना है, 1 है, और H कितना है, तो H आपका 2 है, तो 1/2 हो गया साइन 30 डिग्री। ठीक है, और आपको निकालना है 60 डिग्री, तो इस वाले एंगल की बात करूंगा, P अपॉन में H होता है साइन थीटा, तो इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो अब बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूस यही रहेगा, तो P अपॉन में H होता है, तो P कितना है, रूट 3 और H कितना है, 2 है, ये दोनों एंगल आपके आगे, उन्हीं रेशो की हम बात कर रहे हैं, P अपॉन H से ही हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 45 डिग्री की, तो ये अगर आपका एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा और ये 90 डिग्री है, और ये H है, तो ये आपको रूट 2 होगा, ये 1 और 1 होंगे। ठीक है, 45 डिग्री की बात करूं, P अपॉन में H चाहिए आपको, चाहे इस एंगल की बात करो चाहे इस एंगल की बात करो, दोनों ही 45 है, तो आप इस एंगल की बात करते हो कि ये वाला 45 लेना है हमें, तो ये क्या होगा, बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो P क्या है, 1 है, और H क्या है, रूट 2 है। ठीक है, राकेश कुमार, हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं मिल रही, दुरीना ऐप पे मिल जाएगी मेरे भाई, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री 0 क्यों होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 1 क्यों होता है, ये बात समझने वाली है। तो आपको पता है कि जी P अपॉन में H होगा, और अगर इसकी बात कर रहा हूं मैं इस एंगल की, और ये एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए, ये एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, इस एंगल की ही बात कर रहा हूं, ये एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो H कहां पर आ जाएगा, H आ जाएगा बेस पर,
और एच अगर बेस के ऊपर है तो पी क्या होगा, पी तो रहेगा ही नहीं, पी तो जीरो हो जाएगा, और अगर पी जीरो हो गया तो पी जीरो हो गया तो वैल्यू भी जीरो हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं 90 डिग्री की। तो अगर ये वाला एंगल 90 आपको दे रखा है और ये वाला एंगल भी 60 वाले एंगल की जगह ये भी 90 हो जाए तो ये तो हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इसके एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस होगा। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कभी मिलेंगे नहीं, और अगर ये मिलेंगे नहीं तो दोनों इनफाइनाइट हो गए। तो परपेंडिकुलर भी इनफाइनाइट है और हाइपोटेन्यूज भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट बाय में इनफाइनाइट क्या होता है, वन होता है, तो 90 डिग्री क्या होगा, वन हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये कहते हैं कि जी इसका रट्टा मारना है तो ये 0 1 आधा आधे का वर्गमूल, वर्गमूल 3/2, चाहे दूसरे तरीके से आप लिखना चाहो तो इसको 0 से 4 तक की गिनती लिखो, 4 से डिवाइड करो, उन सब का रूट करो, कैसे भी निकालो, मेरा काम था समझाना। कमेंट करके ये बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया। ऐप के PDF सेक्शन में जाओ, वहां मिलेगी। ओके, चलते हैं भाई आगे। अब आपको यह कहा जाता होगा कि जी अगर आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप उधर से उठाओ और इधर रखते जाओ, ऐसा क्यों होता है? cos थीटा, तो मैंने ये कहा था कि जी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, यही कहा था। तो अगर आपको कॉस 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ थीटा 0 डिग्री रख दूंगा, ठीक है, साइन 90 माइनस 0 हो जाएगा, यानी किसके बराबर हुआ, साइन 90 डिग्री के बराबर हुआ, यानी cos 0 डिग्री इक्वल होगा sin 90 डिग्री के। तो 90 वैल्यू वाली वैल्यू यहां पर रखते हैं, वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरा तरीका, अगर आपको चाहिए b अपॉन में h से निकालना है तो 0 डिग्री अगर आपको चाहिए तो ये वाला अगर 0 होगा, ये वाला एंगल आप 0 करोगे तो ये h जो है ये b के ऊपर आ जाएगा और h b के ऊपर होगा, इसका मतलब h और b क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो b अपॉन में h करोगे और वो इक्वल होंगे दोनों, तो इक्वल होंगे तो कट जाएंगे और कट जाएंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको कॉस 30 डिग्री निकालना है तो इसकी वैल्यू मैं 30 रखूंगा, 90 माइनस 30 क्या हुआ, 60 हुआ, यानी साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है तो √3/2। 45 रखोगे तो साइन 45 के इक्वल होता है और 60 रखोगे तो साइन 30 के इक्वल होता है और 90 रखोगे तो साइन 0 के इक्वल होता है तो वो आ जाएंगे 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल बनानी है। अब 10, तो 10 मैंने पढ़ाया था आपको, टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, रेशो वही लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 60 मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं, ये 90 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा √3, ये 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ से P अपॉन में B आपको निकालना है तो P अपॉन में B, अगर आपको 30 डिग्री निकालना है तो एंगल होगा ये और ये वाला एंगल होगा तो आपको क्या चाहिए, ये होगा B और ये होगा P, तो P अपॉन में B निकालना है तो P कितना है, 1 और B कितना है, √3। इसी तरह से अगर 60 की निकालनी है आपको तो ये वाला एंगल है तो ये होगा B और ये होगा P और ये क्या हो जाएगा, B कितना है, P कितना है, √3 और B कितना है, 1। तो ये 60 और 30 की वैल्यू आ गई, 45 की वैल्यू चाहिए तो 45 आपको पता है ये 45 होगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 1 1 और √2 होगा। ठीक है, P अपॉन में B, तो यहाँ पर P भी 1 है, B भी 1 है, तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और tan 0 डिग्री और tan 90 डिग्री की बात करें तो tan अगर 0 डिग्री करोगे तो ये वाला एंगल 0 हुआ ना, ये वाला एंगल अगर 0 होगा तो H और B क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, और P क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा 0 और ये ऊपर वाली टर्म अगर 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा। अब बात करें हम
90 डिग्री की। तो 90 डिग्री इस तरह से होगा कि ये वाला एंगल यहाँ जो बनाते हैं हम, ये 90 हो जाए, तो ये भी 90 और ये भी 90। पी अपॉन में बी निकालना है, तो पी बी तो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट होगा, और पी क्या है, पी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट अपॉन में फाइनाइट क्या हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या आता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो से इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बिलोंग करती है, और जीरो से इनफाइनाइट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मिनिमा मैक्सिमा में बहुत काम आने वाले हैं, तो चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। तो आगे चलते हैं बच्चे, टेबल को कंप्लीट करना है। तो अभी मैंने जो कहा था कि जी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1090 माइनस थीटा होता है, तो आप इसको उल्टा लिख सकते हो, उधर से लिखोगे ये होगा इनफाइनाइट, ये होगा रूट थ्री, ये होगा वन, ये होगा वन अपॉन में रूट थ्री, और ये होगा जीरो। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड थीटा आपको लिखना है, तो वन अपॉन में कॉस थीटा होता है, ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि वन अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो ये आपको लिखना है। तो वन अपॉन में वन वन होता है, ये इसका उल्टा करोगे तो टू अपॉन में रूट थ्री होगा, और इसका उल्टा करोगे तो रूट टू होगा, इसका उल्टा करोगे तो टू होगा, और वन अपॉन में जीरो करोगे तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट होगा। इसी तरह से कोसेक निकालना है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, इसकी हम वैल्यू पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी जो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये वन अपॉन में जीरो, तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। और इधर से लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, चीज़ें वही आएगी, इसकी वन अपॉन में टू करोगे तो टू ऊपर जाएगा, और वही टू यहाँ पर है। ठीक है, वन अपॉन में वन अपॉन रूट टू करोगे तो रूट टू ऊपर जाएगा, और वही यहाँ पर है, और इसी तरह से टू अपॉन में रूट थ्री होगा, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ट्रेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी भी चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये मिनिमा मैक्सिमा में बहुत काम आने वाली ये चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि पी बी और जिस तरह से आप थीटा चेंज करते हो उसी तरह से वैल्यू चेंज होती जाती है। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, कोस 120 की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या होगी, अभी हम क्वाड्रेंट पढ़ चुके हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं, रेशियो चेंज हम कहां पर होते हैं वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और टेबल हमने पढ़ ली है। तो उम्मीद करता हूं आप इसकी वैल्यू सही बताओगे, तो करोगे आंसर। कोस 120 डिग्री क्या होगा, हाँ भाई योगेश अब प्रॉब्लम आ गई, कोई ना बच्चे अभी आयो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आयो तो क्या होगा, बिल्कुल बेसिक से ही समझा रहे हैं संदीप कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास आपकी हो चुकी है वो देख लेना, ये दूसरी क्लास है, तो बेसिक दो क्लासों में आकर के ख़त्म हुआ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों क्लास देख लेना, लगभग एक घंटे की होगी दोनों क्लासें, तो वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी बच्चे, आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोस 120 डिग्री यानी कोस 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, और यहाँ से आपको समझने वाली चीज़ क्या है कि कैसे रेशो चेंज होंगे, तो आपको जो प्लस माइनस बताएगा ना वो यही बताएगा, और यहीं पे आपको प्लस माइनस देख करके लगा देना है, चेंज करने के बाद में नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जी 90 प्लस थीटा आ गया, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, क्वाड्रेंट हो गया जी सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस दे रखा है, तो कोस होता है जी नेगेटिव, तो हमने साइन लगा दिया नेगेटिव। ठीक है, अब ये चीज आपको ये बताएगी, आप इसको लिख सकते हो कि ये बताता है साइन,
नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यही बताता है कि चेंज किस में होगा, लेकिन यह बताता है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर ये 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, ओड मल्टीपल है तो होगा, यानी 90 पे तो चेंज होता है। तो चेंज होता है तो कोस किस में चेंज होता है, तो जी साइन में चेंज होता है, और ये बताएगा कि जी यहां पर वैल्यू क्या आएगी, तो 30 डिग्री आएगी, ठीक है। माइनस का साइन है, और साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/2 होता है, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1/2। और यहां पर आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, साइन इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है जो आपको शुरुआत में दिया हुआ है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 10 135 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, तो जल्दी से आंसर करो। और कुछ बच्चों का जिनका लेवल हाई है उनको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से करवाना जरूरी है बच्चे, यहाँ पर जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बिल्कुल बेसिक से करवाना जरूरी है, ठीक है। तो 10 135 डिग्री, इसका आंसर करो आप, क्या आएगा, चेंज कर सकते हो किस में, तो 10 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ठीक है। तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, तो क्वाड्रेंट हमें यह बताएगा कि जी 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है जी नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसाइन के पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। और 90 आ रहा है तो रेशो चेंज होगा, और 10 किस में चेंज होता है, कोट में, और ये बताएगा कि जी यहां पर वैल्यू क्या आएगी, तो 45 डिग्री आएगी, तो माइनस है, और कोट 45 1 होता है, तो -1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कोस 210 डिग्री, करो भी इसका आंसर। नमस्कार जी, थैंक यू दिनेश सर। चलो, कोस 210 डिग्री, तो आप लिख सकते हो कोस 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। तो आपको पता है कि जी क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, तो कोस होता है जी नेगेटिव, और 180 आ रहा है यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है तो चेंज नहीं होता, तो कोस का कोस ही रहेगा, और 30 डिग्री तो 30 डिग्री आएगा यहां पर, तो -√3/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान चीजें हैं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 570 डिग्री, इसको लिख सकता हूं मैं 10 180 × 3 + 30 डिग्री, यही लिख सकता हूं, क्योंकि 18 + 3 = 54 540 प्लस में क्या हुआ, 30 हो गया, और 540 प्लस में 30 570 होता है। अब आपको क्वाड्रेंट का पता लगाना है, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, तो क्वाड्रेंट का पता लगाने के लिए आपको पता है कि जी 180 यहां से यहां होता है, दूसरा 180 यहां से यहां हो जाएगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 180 को, तो ये यहां से यहां आ गया, प्लस में थीटा है तो यहां तक तो हम पहुंच गए, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में एंटर होगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब 180 का मल्टीपल है
180 का मल्टीपल है तो सीधी सी बात है कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 का तो इवन मल्टीपल ही हुआ ना, इसको मैं 90 इंटू में 2 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, तो 3 × 6 हुआ ना, तो 90 का इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा और 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, और इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके जरूर देख लेना। आसान लग रही होंगी चीज़ें, लेकिन बेसिक है बच्चे, ये अगर क्लियर होगा तो ही आप आगे ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कैसी लगी आपको वीडियो, फिर से हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो जल्दी कमेंट करके बताओ, और कोई डाउट है तो पूछो। ओके भाई राकेश, समझ आ रहा है? अगर आप पहली चार वीडियो की चीजें समझ जाओगे ना बच्चे, तो आपके लिए मिनिमा मैक्सिमा और डिस्टेंस एंड हाइट बिल्कुल आसान हो जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, और आप चुटकियों में उनका जवाब दोगे, तो क्वेश्चन भी हम बढ़िया लेके आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, जय हिंद जय भारत।